Yo, à Belfast. Yo, à Belfast. Yo, à Belfast. Yo, à Belfast. Ala fi tawahhudi wa dana fi tafarrudi wa jalla fi shanihi wa azuma fi arkani وقهر جميع الخلق بقدوته وبرهانه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين مولى ومولى الثقلين جد الحسن والحسين مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة الباقية العاجلة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم اجمعين من الان الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. پروردگار عالم کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتے ہیں کہ اس معبود نے ہمیں اور آپ کو ایک مرتبہ پھر توفیق عنایت فرمائی کہ ہم ایک ماہ مبارک رمضان کو در کر سکیں اور ایک ماہ مبارک رمضان تک ہم پہنچ سکیں. اس پر خدا کا لاکھ لاکھ شکر ادا کیا جائے. جیسا کہ بعض علماء کی سیرت میں یہ رہا ہے کہ جب بھی وہ ماہ مبارک رمضان کو در کرتے تھے اور ماہ مبارک رمضان تک پہنچتے تھے تو بارگاہ پروردگار عالم میں دو رکعت نماز شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت اور یہ توفیق عنایت کی کہ انہوں نے بفضل الہی ماہ مبارک رمضان کو در کیا. میرے دوستو اور عزیزو, واقعاً قابل مبارکباد ہے آپ سب کہ ہم ایک دوسرے کو تبریک اور تہنیت پیش کریں اور ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک مہینے میں ہمیں اور آپ کو اپنا مہمان بنایا. واقعاً ہمارے اعمال ہمارے کردار اس لائق نہیں ہیں, لیکن فضل پروردگار عالم ہے جو اپنے بندوں کے شامل حال ہوا. آپ جانتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان, بعض روایات میں یہ جملہ آیا ہے کہ رمضان اول السنہ, رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. اب یہ واقعاً ایک سوال ہے کہ ماہ مبارک رمضان سال کا پہلا مہینہ کہاں ہے. سال کا پہلا مہینہ تو محرم الحرام ہے, پھر رمضان المبارک کو سال کا آغاز اور سال کی ابتدا کیوں کہا گیا کہ رمضان اول السنہ, رمضان سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ ایک سوال ہے جو بعض روایات میں آیا. اگر اس سوال کا جواب جاننا چاہیں تو
तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। देखिए साल जो होते हैं, कभी शमसी साल होता है, यानी सूरज की गर्दिश की बुनियाद पर जो साल कवर होता है उसको हम कहते हैं साल शमसी। एक साल है साल कमरी, वो चांद जो माह मुबारक रमजान का चांद आपने देखा, ये कमरी साल के लिहाज से। एक साल होता है साल ईसवी, वो जनाब ईसा मसीह की विलादत को माना जाता हो, जिस साल से हमारी बैंक, हमारे इदारे, हमारे दफ्तर खुलते और बंद होते हैं, ये साल मिलादी है। पर साल या तो शमसी है, साल या तो कमरी है, साल या तो ईसवी है, या हत्ता मुतदय्यन घरानों में एक साल साल खुमसी भी होता है कि जिस दिन हम खुम्स निकालते हैं वो साल खुमसी है। लेकिन रवायात में माह मुबारक रमजान को भी अव्वल सना कहा गया, यानी साल का पहला महीना। ये किस लिहाज से? रमजानुल मुबारक आगाज साल है। साल का आगाज माह मुबारक से कैसे होता है? हम तो जानते हैं कि मुहर्रमुल हराम से साल का आगाज होता है। तो मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं, शायद अवावाइत का मकसद रमजान को अव्वलुस्सना कहने का ये हो कि तरबियत रूह इंसानी के लिहाज से ये पहला महीना है। यानी अगर आप रूह इंसानी की तरबियत करना चाहें तो माह मुबारक रमजान साल का पहला महीना कि जहां से इंसान की तरबियत का, इंसान की रूह की पाकिजगी का मरहला शुरू होता है उसे कहते हैं रमजानुल मुबारक। लिहाजा इस लिहाज से अगर देखा जाए तो रमजान अव्वलुस्सना है, निहायत अजीम मुबारक महीना कि जिस महीने में एक दस्तरखान परवरदिगार आलम ने तमाम आलम इंसानियत के लिए। मैं चूंकि हम लोगों का मौजू सुखन इन दिनों असरार रोज़ा है, लिहाजा कबल इसके कि वो असरार रोज़ा बयान हो, हम माह मुबारक रमज़ान की किसी हद तक अजमतों को समझ सकें और फिर इस रोज़े के जो मैसेज जो मेरी ज़िंदगी पर इफ़ेक्ट होने वाले हैं उन्हें मैं जान सकूं। देखिए वाकयन माह मुबारक, देखिए बच्चों के स्कूल नहीं खुलता, बच्चों के लिए स्कूल का भी एक साल होता है कि आप जून में मतलब बच्चों का स्कूल खुलता है, जुलाई में स्कूल खुलता है, तो यहाँ पर भी तरक्की का आप देखो तो एक यूनिवर्सिटी रमजानुल मुबारक में तरबियत इंसान की खुल रही है और इस यूनिवर्सिटी में तमाम आलम इंसानियत को दावत दी जा रही, तरह तरह के लोग इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तैयार हैं। हम सब भी इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आज की शब तैयार हो रहे हैं। लिहाजा एक तरबियत की यूनिवर्सिटी माह मुबारक रमजान में खुली है। एक आम दस्तरखान परवरदिगार आलम की जानिब से बिछाया गया, एक आम दस्तरखान, एक ऐसा दस्तरखान माह मुबारक रमजान में है कि मैं रवायत देख रहा था कि इस दस्तरखान दस्तरखान कभी कभार आप देखिए बाज दस्तरखान ऐसे होते हैं जहां पर खाना लिमिटेड होता है, कम होता है, बहुत ज्यादा किस्म की ग़िज़ाएं नहीं होती। बाज दस्तरखान ऐसे होते हैं ग़िज़ाएं भी कम हैं, टाइम भी कम है, पता चला आप देर पहुंचे तो बहुत देर तक आप उस दस्तरखान पर खा नहीं सकते, बहुत किस्म की ग़िज़ाएं नहीं हैं। लेकिन माह मुबारक रमज़ान के लिए जो रवायत में वारिद हुआ है, इस दस्तरखान की जो तारीफ ज़बान पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वारिद हुई
वो अजीब है। पैगंबर फरमाते हैं इन्ना लिल्लाहि माइदतुन अलैहा मा ला ऐनुन रअत वला उज़्नुन समियत। पैगंबर फरमाते हैं किस माह मुबारक रमजान में अल्लाह ने कैसा दस्तरखान बिछाया है रूह की गजा के लिए, एक कैसा दस्तरखान बिछा है कि मा ला ऐनुन रात, उस पर इतने किस्म की गजाएं हैं कि जिन गजाओं को आंखों ने पहले नहीं देखा, वला उज़्नुन समियत, जिन गजाओं के बारे में हमारे कानों ने पहले नहीं सुना, यानी ऐसी गजाएं हैं न जिन्हें हमने पहले देखा और न जिन्हें पहले हमने सुना। बस आप कह सकते हैं कि हमने जन्नत के बारे में सुना, हूर व गिलमान के बारे में सुना, सलसबील व कौसर के बारे में सुना, ये तो हमने सुना है। कहीं इसके अलावा कुछ इस दस्तरखान पर है जिसे तुम्हारे कानों ने नहीं सुना। हत्ता रवायत का जुमला अजीब है, वला खतरा अला कल्बे बशविन, ऐसे कुछ आइटम अपनी जबान में कहा जाए ताकि बात जो है तवज्जो और आप मुतवज्जो हो सके। ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिन्हें तुमने सोचा भी नहीं था, जो तुम्हारे जहन में भी नहीं आ सकती थी, वो दस्तरखान माह मुबारक रमजान में बिछा हुआ है। शब अव्वल है, माह मुबारक रमजान में चांद है, चांद की वात है यानी चांद वात है, आप समझ लीजिए दस्तरखान बिछा दिया गया है। इस दस्तरखान पर आने के लिए जो कंडीशन है वो क्या है, इस दस्तरखान पे बुलाया किसे जा रहा है? पैगंबर फरमाते हैं ला यक़अदु अलैहा इल्लस्साइमून, ये दस्तरखान जिस पर ऐसी गजाएं मौजूद हैं जिन्हें ना हमारी आंखों ने देखा, ना हमारे कानों ने सुना, ना हमारे जहन ने तसव्वुर किया है, इस दस्तरखान पे बैठेगा कौन? इस दस्तरखान पे बैठेगा वो जो रोजेदार हो। ला यक़अदु अलैहा इल्लस्साइमून, इस दस्तरखान पे बैठने वाले कौन लोग हैं? वो रोजेदार हैं। बस ऐसे दस्तरखान के लिए आप हजरात को अल्लाह ताला दावत दे रहा है, किस दस्तरखान पर आओ, टाइम भी कम नहीं है, एक महीना। दस्तरखान पर जो गजाएं हैं वो भी कम नहीं है। पर देखिए आदमी भूखा कब उठता है, या तो दस्तरखान पर खाना कम पड़ जाए या टाइम कम पड़ जाए। इत्तेफाक से यहाँ न टाइम कम है और न खाना कम है, लिहाजा अगर इस दस्तरखान इलाही से मैं भूखा उठता हूँ, मैं सैर नहीं उठता, तो काहली मेरी जानिब से हुई ना, क्योंकि दस्तरखान पे गजा की कमी नहीं है, किस्म किस्म की गजाएं हैं, टाइम भी कम नहीं है। बस ऐसे दस्तरखान से अगर मैं भूखा उठूं तो पूरी तसाहुली, पूरी कमी मेरी जानिब से, ये पहला मरहला। फिर उसके बाद मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि माह मुबारक रमजान एक बेहतरीन मौका है, एक बेहतरीन मौका है। देखिए इंसानी जिंदगी में कामयाब इंसान कौन होता है? जो फुर्सतों से फायदा उठाए, फुर्सतों को रायगा ना करे। माह मुबारक रमजान दरहकीकत फुर्सतों का महीना है, मौके का महीना है, तरह तरह की फुर्सतें यहां पर आपके लिए मौजूद हैं। मतलब एक अर्ज करूं एक चीज, एक फुर्सत क्या है, खुदा से दोस्ती, खुदा से सुलह, काफी दूर हो चुके हैं हम अपने महबूद से, काफी दूर हो चुके हैं अपने रब से, बेहतरीन फुर्सत है इस मुबारक महीने में खुदा से कुर्बत का, बेहतरीन फुर्सत है इस मुबारक महीने में अपने टाइम टेबल को
सही करने का। बेहतरीन फुर्सत है इस माह मुबारक में अपनी रूही कुछ ताकतों को डेवलप करने का, रूही ताकतों को ताकतवर बनाने का बेहतरीन मौका माह मुबारक है रमजान में। इंशाल्लाह जो मौजू है गुफ्तगू है असरार रोजा, इसमें आपकी खिदमत में बयान होगा। बस नहायत अजीम महीना, बात बात पर यहाँ पर सवाब है। बाज़ रवायात में है कि अगर एक रोजेदार को कोई गाली बकता है, फोहश देता है, और ये रोजेदार फकत इतना कहे अना साइमुन सलामुन अलैकुम, रवायत का जुमला है कि अगर ये रोजेदार उस फोहश का जवाब नहीं देता, उस गाली का जवाब नहीं देता, बल्कि कहता अना साइमुन सलामुन अलैकुम, तो ये जुमला क्या करता है, रोजेदार और जहन्नम के दरमियान एक हिजाब लेकर आता है, यानी हमारे लिए एक सिफर एक ढाल का काम, ये जुमला एक ढाल का काम करेगा कल जहन्नम की आग के लिए। वाकई बहुत अजीम महीना, बहुत अजीम महीना, चूंकि पहली तारीख है, शब अव्वल है, हम जब माह मुबारक रमजान को दर यहाँ तक आप आए हो अल्लाह ताला की तौफीक की बुनियाद पर, की परवरदिगार आलम ने तौफीक इनायत फरमाया कि हम आप यहाँ तक हाजिर हुए दर के माह मुबारक रमजान, बफजल इलाही एक नेमत है। लिहाजा हम थोड़ा से मारिफत के साथ इस महीने में कदम रखें। एक मकाम पर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि लो यालमुल इबाद मा फी रमजान लवद्दा अन यकून सना। कभी कभारी हमारे यहाँ मारिफत न होने की बुनियाद पर बाद लोग चांद राती से परेशान हो जाती, गरीब कल से क्या होगा, रोजा रखना होगा, दिन भर भूखो प्यास में मुब्तला रहना पड़ेगा, यानी वो मुश्ताकाना इस्तकबाल माह मुबारक का नहीं करते। जबकि आप देखिए जो रवायात में हता, आप जो है सहीफ़े सज्जादिया की अगर दुआओं में देखिए तो मौला ये वक्त नहीं, यानी तो मैं वो दुआ के फिकरात पढ़ता, ये दुआए 45 नंबर और 46 नंबर में अगर आप देखिए और वक्त मिले, कंफ्यूजन मेरी जानिब से, या इस्तकबाल माह मुबारक रमजान का भी तरीका इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने बयान फरमाया, और साथ ही मौला ने अलविदा माह मुबारक रमजान का भी तरीका बताया। यानी इतना अजीज मेहमान आया है कि इस्तकबाल भी करो और फिर उसके बाद अलविदा का भी अंदाज तुम्हें मालूम होना चाहिए। चूंकि हम मारिफत नहीं रखते, हम नहीं समझते कि इस माह मुबारक रमजान में हमारी इंसानियत के साथ कितना अजीम कारनामा अंजाम पा रहा है, लिहाजा सही नहीं समझते। लेकिन पैगंबर फरमाते हैं लो यालमुल इबाद मा फी रमजान, अगर लोग और खुदा के बंदे इस बात को जान जाते कि माह मुबारक रमजान में क्या है, क्या नेमतें हैं, क्या अजमतें हैं, क्या बरकतें हैं। पैगंबर फरमाते हैं लो यालमुल इबाद, अगर लोग माह मुबारक रमजान की अजमतों को बरकतों को जान जाते लवद्दा यकून सना, तो लोग ये तमन्ना करते कि ये रमजान पूरा साल रहे। तो जो फरमा रहे हैं हम एक महीने में घबरा जाते हैं, चूंकि माफी रमजान का इल्म हमें नहीं है। जो माफी रमजान के बारे में जानते हैं, पैगंबर फरमाते लवद्दा यकून सना, ये लोग क्या करते माह मुबारक रमजान पूरा साल रहे ऐसी तमन्ना करते। हत्ता ये कितना अजीम महीना है, ये कितनी बरकतों का मालिक महीना है। अगर आप देखिए हमारा मशहूर है कि कुरान करीम इस महीने में नाजिल हुआ, तय भी है, यही है भी कुरान की आयत वाज़ेह तौर पे कहती है शहर रमजान
الذي انزل فيه القران ماہ مبارک رمضان میں قرآن نازل ہوا. لیکن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ فقط قرآن مجید ماہ مبارک رمضان میں نازل نہیں ہوا ہے بلکہ اور جو آسمانی کتابیں ہیں وہ بھی اس مبارک مہینے میں نازل ہوئی ہیں. یعنی قرآن کریم جو نہایت جامع کتاب تمام آسمانی کتابوں کی روح ہے وہ اس مہینے میں نازل ہوئی. جیسے قرآن کہتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن, اس کے علاوہ اور جو صحف اور کتابیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئیں وہ بھی اسی ماہ مبارک رمضان میں. بعض روایت میں ہے کہ نزلت صحف ابراہیم فی اول لیلہ, شب اول رمضان میں جناب ابراہیم پہ صحف نازل ہوئے. یحتیٰ بعض جگہ پہ ہے کہ توریت جو حضرت موسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا وہ 6 رمضان کو, یا انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی وہ 13 رمضان کو, یا زبور جو جناب داؤد علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ نازل ہوئی وہ 18 رمضان کو. بس آپ دیکھ لیں کہ ماہ مبارک رمضان کتنی برکتوں کے ہمراہ ہے کہ تمام آسمانی کتابیں اسی مبارک مہینے میں نازل ہوئی. ایک چیز اور, چونکہ آج یہ پہلا مرحلہ ہے انشاءاللہ ہم ماہ مبارک رمضان کی کچھ عظمتوں کو آپ کی خدمت میں بیان کر دیں, اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے تاکہ اسرار روزہ کسی حد تک ہم در کر سکیں اور سمجھ سکیں. میں نے عرض کیا کہ مہینہ نہایت فرصتوں کا مہینہ, فرصت اردو والی نہیں کہ بیکار بیٹھ جائیے, فرصتوں کا مہینہ یعنی موقع ہے. جیسے جوانی, طاقت, صحت ایک فرصت ہوتی ہے, ایک موقع ہوتا ہے انسان کی ترقی کے لیے. بیمار آدمی تو بہت زیادہ اچھی کنڈیشن میں نہیں ہوتا. جس آدمی کے پاس صحت ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے موقع بھی غنیمت ہے. اسی طرح ماہ مبارک رمضان بھی بہترین موقع ہے بندگی کا, بہترین موقع ہے اپنے آپ کو اوپر لے جانے کا. اپنی سطح کو, سطح معرفت کو اوپر لے جائیے, اس کا بہترین موقع ہے. مشہور ہے, روایات میں بھی ہے کہ اس مبارک مہینے میں شیطان مغلوقتن, شیطان کیا کر دیا جاتا ہے, مایا بہت مشہور ہے, شیطان قید میں آیا, شیطان قیدی بن جاتا ہے, شیطان کو باندھ دیا جاتا ہے. یہ بھی اگر آپ توجہ فرمائیے یہ بھی ہمارے لیے موقع ہے, سنہرا موقع ہے کہ شیطان مغلوق ہے. مغلوق کا مطلب کسی کو رسن بستہ باندھ دینا, یعنی قیدی بنا ہوا ہے شیطان. روایات میں بھی کہ شیطان قیدی بنتا ہے. لیکن شاید اس مسئلے کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے. شیطان جو پورے سال کھلا ہوا ہے, یعنی واقعی ماہ مبارک رمضان کی عظمتوں کو ذرا در کیجئے. کچھ چیزیں بند ہوتی ہیں اور کچھ چیزیں کھل جاتی ہیں اس مہینے میں. شیطان بند ہے, شیطان بند ہے تو انسانیت کے لیے موقع ہے. اب یہ شیطان بند ہے, قیدی ہے, اس کو تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ شیطان بند ہے یعنی کیا. بعض علماء نے میں نے دیکھا کہ اس حدیث کی بہترین وضاحت فرمائی کہ شیطان جو پورے سال آزاد ہے وہ اس مبارک مہینے میں قیدی کیسے بنتا ہے. ہمارے یہاں ہے کہ شیطان کو پکڑ کے گویا لے جا کے قیدی بنا دیتے ہیں, بات ختم ہوئی. نہیں, شیطان کے قید میں ہونے کی دو وجہ ہے. یہی تو ماہ مبارک رمضان کی عظمت بھی آپ حضرات کی خدمت میں واضح ہو جائے گی. دو وجہ ہیں جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ شیطان مغلوقتن, شیطان اس مہینے میں بندھا ہوا ہے. پہلا ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ دیکھیں میں آپ کو بہت آسان بتاؤں, وہ یہ کہ اس مبارک مہینے میں انسان کی مدد کرنے والے افراد زیادہ ہو جاتے ہیں. شیطان کیوں بن جاتا ہے اس مہینے میں؟ چونکہ انسان کی مدد کرنے کے لیے جو طاقتیں ہیں وہ زیادہ ہوتی ہیں. میں مثال دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. جیسے آپ کا کوئی دشمن ہو
आप पर हमला करना चाहता हो, लेकिन आपका साथ देने वाले बहुत ज्यादा लोग हों, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ये दुश्मन जो आप पर हमला करने वाला होता है ये अपने कदम क्या कर लेता है, पीछे हटा लेता है। क्यों? क्योंकि वो देखता है कि वहां पर सामने मदद करने वाले लोग बहुत ज्यादा हैं। शैतान मगलूक है, बाज़ उलमा कहते इसका माना ये है, क्योंकि इस महीने में बंदगान खुदा की मदद करने के लिए अफराद ज्यादा होते हैं। कौन अफराद होते हैं? मलाइका ज्यादा होते हैं। मलाइका इस मुबारक महीने, गोया आपका जो लश्कर है वो कभी और ताकतवर होता है, लिहाजा शैतान घबरा के पीछे। मखलूक का मानना बाज़ उलमा करते ये। हता मैंने रवायत देखा कि उस रवायत में मासूम फरमाते हैं इतने ज्यादा मलाइका हैं कि ला यालमु अददा इल्लल्लाह, कि उन मलाइका की तादाद और क्वांटिटी कितनी है खुदा के अलावा कोई और नहीं जानता। और रवायत का जुमला है इन्नल्लाह इन्नलिल्लाहिल मलाइका, खुदा के लिए कुछ मलाइका जिनकी तादाद खुदा के अलावा नहीं जानता, इन मलाइका का वजीफा और इन मलाइका की जिम्मेदारी इस मुबारक महीने में क्या होती मालूम है? इन मलाइका की जिम्मेदारी इस मुबारक महीने में ये है कि वो खुदा के बंदों के लिए यानी रोजेदारों के लिए दुआ करें। बस मलाइका की दुआ, यानी मेरे पास नासिर ज्यादा है, मददगार ज्यादा है, मददगार ज्यादा है तो दुश्मन अपने कदम क्या करता है, पीछे हटाता है। बस मगलूका का माना ये, शैतान बंधा हुआ है, यानी शैतान तुम्हारे मददगारों को जब देखता है तो वो दहशत में है। एक वजह ये, एक जगह पर हजरत अमीर अली अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो तुम्हारी जिंदगी में शैतान आता है ना, शैतान नागहानी जिंदगी में नहीं आता, एक बैग आपके ऊपर काबू नहीं करता, शैतान वो जो जुमला है ना उकदा उकदा आता है, उकदा उकदा आता है यानी क्या, देखिए मेरी जिंदगी में बहुत गठियां हैं, गठी होती है देखा, बांध देते हैं गठियां, शैतान क्या करता है उन गठियों को एक एक करके क्या करता है, खोलता है। इसीलिए कुरान की ताबीर अगर देखिए, कुरान का तो खुतवात शैतान, धीरे धीरे तदरीजी तौर पर, यानी धीरे धीरे आपकी जिंदगी में कुरान ये शैतान क्या है, दाखिल होता है, यानी गठियों को खोलता हुआ चला जाता है। पहले तुम्हें क्या करता है, मुस्तहबात से दूर करता है, फिर मकरूहात की निस्बत जो कराहियत होती है तुम्हारे दिल में उसको दूर करता है, फिर वाजिबात से लाताल्लुक करता है, फिर मुहर्रमात से तुम्हें यूं ही गाफिल कर देता है, ये एक एक गठियों को खोलता है। माह मुबारक रमजान में होता क्या है, इंसान इन गठियों को टाइट करता है। कैसे टाइट करता है? क्योंकि इस मुबारक महीने में या तो इंसान वाजिब अंजाम दे रहा होता है या मुस्तहब अंजाम दे रहा होता है। रोजा रखे है, वाजिब है, सो रहा है हालत रोजा में, मुस्तहब है, इबादत कर रहा है, बस वो गठियां चूंकि इस मुबारक महीने में मजबूत करने करता है इंसान, लिहाजा शैतान मगलूक है, शैतान बंधा हुआ है, इसका माना ये। बस यहीं से एक नतीजा भी निकाला जा सकता है, क्या नतीजा निकाला जा सकता है कि शैतान बंधा हुआ है, शैतान कैदी है, लेकिन सबके लिए नहीं, हमारे यहाँ इस्तिलाह की जबान में कहा जाता है निस्बी है, निस्बी यानी हो सकता है इसी महीने में शैतान मुझ जैसे नाकारा इंसान के लिए खुला हुआ हो लेकिन आप जैसे मोमिनीन के लिए बंधा हुआ हो, यानी चूंकि आप अपनी गठियों को टाइट कर रहे हैं लिहाजा आपकी नस्बत से शैतान बंधा हुआ है, आपके लिए मलाइका दुआ कर रहे हैं लिहाजा शैतान इस क्या कहते हैं नीरू और ताकत को देखकर घबराया हुआ कदम पीछे किया हुआ है। बस ऐसा नहीं कि शैतान दर हकीकत बंधा हुआ है, यानी नहीं, अगर ऐसा होता तो फिर बहुत से लोग माह मुबारक रमजान में जो खताएं करते हैं वो यहीं से आती है, चूंकि अगर इंसान उसी जिंदगी को गुजारे जो आम जिंदगी आम दिनों में गुजारी जाती है तो क्या माना होता है शैतान के बंदे होने का। मैं यहीं पर इस्तेफादा करना चाहता हूँ कुरान करीम के कायद से। देखिये वो क्या रहा है, मैं आपको बहुत करीब से ले जाऊं, कुरान करीम एक आयत करीमा में एक फार्मूला बता रहा है। देखिए ये फार्मूला याद करिए, ये शैतान हमेशा आपके लिए बंधा हो जाएगा, हमेशा आपके लिए आपसे दूर होगा,
लेकिन अगर इस फार्मूले पे आपने अमल नहीं किया तो शैतान आपका साथी बनेगा। कुरान एक मकाम पे कहता है, वमय्याशो अन ज़िक्रिर रहमान नुकय्यिज़ लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन। वो जिसके वजूद से जिक्र खुदा कम हो, यानी जिसके वजूद में जिक्र खुदा कम हो, यानी जहां जिक्र खुदा का नूर जिंदगी में कम होता है, वहीं से शैतान इंसान की जिंदगी में दाखिल होता है। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, मैं याशु अन ज़िक्र रहमान नुकय्यिज़ लहू शैतानन फहुवा लहू क़रीन। ये नूर इलाही अगर तुम्हारी जिंदगी में कम पड़ा तो शैतान तुम्हारा साथी है, नूर इलाही बढ़ा तो शैतान तुमसे दूर है। माह मुबारक रमजान में ये नूर की बारिश में मैं हूं, जिक्र खुदा की बारिश में मैं हूं, लिहाजा शैतान मखलूक है, बंधा हुआ है। क्योंकि ये आम जिंदगी में भी आप अपने घरों में भी देखिए ना, अगर लाइट ज्यादा हो जितनी होना चाहिए तो चोर आते हुए डरता है, लेकिन लाइट ना हो या लाइट मध्यम हो तो चोर को कोई खौफ नहीं होता। ये नूर इलाही जब दिल में इंसान के ज्यादा हो तो शैतान नहीं आता, ये नूर इलाही कम हो तो इंसान शैतान का करीनो मुसाहिब बन जाता है। बात वाज़े हो रही है। इस मुबारक महीने में आप देखिए, बाज़ लोग हैं आम जिंदगी जैसे वो जी रहे थे पहले माह मुबारक रमजान से पहले, वैसे ही ना उनके घरों में। अभी माह मुबारक रमजान में हमारे घरों का क्या हो, तिलावत कुरान, नमाजें, मस्जिदों में जाना, बहरकैफ इस साल हम नहीं जा सकते और यहीं पर दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला इस वबा और बीमारी का खात्मा फरमाए ताकि हम पहले की तरह मस्जिदों में जाएं। इस माह मुबारक रमजान में होता क्या, ये तमाम अनवार इलाही जिक्र इलाही का मेरे वजूद में इजाफा होता है, लिहाजा शैतान दूर होता है, मगलूक हो जाता है। ये वरना अगर मैं आम जिंदगी गुजारूं जैसे रमजान से पहले गुजारता हूं, मेरे घर से उन्हीं गानों की आवाज आए, मेरे घर से तिलावत कुरान की आवाज ना आए, वैसी कंडीशन हो तो नूर इलाही हुआ नहीं, नूर इलाही नहीं हुआ तो शैतान आपके लिए मगलूक नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं बस शैतान को दूर करना है तो इस नूर इलाही को अपने वजूद में क्या करना है, ज्यादा करना है। इस मुबारक महीने में सारे असबाब मुहैया हैं, मैं अगर गाफिल ना हूं ना तो शैतान मेरे करीब नहीं आ सकता, सारे असबाब मुहैया हैं। आपने कभी को देखा होगा बाज लोग हैं ना, एकदम चौड़ा रोड हो, साफ सुथरा रोड हो, रोड पे कोई खड्डा वगैरह भी ना हो, फिर भी ले जाते हैं डिवाइडर में गाड़ी को लड़ा देते हैं। ये कौन से ड्राइवर होते हैं भाई, ना बहुत ज्यादा गाड़ियां की, रोड भी काफी चौड़ा था, प्लेन था, खड्डा भी नहीं था, फिर भी आपने ले जाके गाड़ी को डिवाइडर में लड़ा दिया। अपने यहाँ इस तरह के रोड है ना, एक्सप्रेस हाईवे वगैरह, यहाँ पर कहते हैं कि ये ड्राइवर नींद में था, ये जो ड्राइव कर रहा था ये नींद में था, नींद में नहीं होता नहीं लड़ा था, रोड तो अच्छा था, चौड़ा भी था, कोई मुश्किल भी नहीं थी, ये गफलत में था, ये गाफिल नहीं होता तो ये काम नहीं होता। माह मुबारक रमजान, मैं मिसाल दे रहा हूँ फकत आपको करीब करने के लिए, माह मुबारक रमजान भी इसी तरह है, सब कुछ आमादा है। अब यहां पर मैं जाकर अगर डिवाइडर में अपनी हयात की गाड़ी को लड़ाता हूं तो मैं गाफिल हूं, फिर मैं गाफिल हूं, फिर मैं गफलत का शिकार हूं, और खुदा करे कि इस गफलत से मैं अपने वजूद को दूर करूं। ये मरहला हो गया अर्ज़ किया कि माह मुबारक रमजान की अजमतों को दर्क करना बहुत जरूरी है, यानी मेरे लिए असबाब मुहैया है, तौकी का मलकूत का रास्ता तय करना, अपने वजूद को ऊपर लाना, या यूं कहूं हैवानियत के बोध को कम करना, इंसानियत के बोध को कवी करना, ये माह मुबारक रमजान में मेरे लिए बहुत आसान माहौल फराहम है। मैं आखिर में आपकी खिदमत में दो हदीस
माह मुबारक रमजान के हवाले से पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पेश करूं। एक हदीस में वो नेमतों का जिक्र है जो रमजान में इंसान को हासिल होती है, दूसरी हदीस में उन कंडीशन का जिक्र है जिनकी रियायत मुझे माह मुबारक रमजान में करना है। होता है, मैंने अभी आप मिसाल दें, बात मिसालों के जरिए अगर हो तो आसान है। मैं एक बैंक कर ऐलान करती है कि हम लोन दे रहे हैं, बहुत ज्यादा लोन दे रहे हैं, ये एक मरहला है। एक मरहला है कि फिर साथ में ऐलान करती ये कंडीशन होना चाहिए तो हम दे रहे हैं। माह मुबारक रमजान में भी अगर आप देखिए तो नेमतों का एक सैलाब है, या क्यों कहूं कि एक आबशार, एक झरना है रहमत इलाहिया का, जो इंसान को फैजियाब करने के लिए बेताब है। ये एक तरफ है, दूसरी तरफ कंडीशन भी है, रियायतें भी हैं, रियायत करना मेरे लिए लाजिम और जरूरी है। मैं इस हदीस को पेश करूं, इंशाल्लाह बाकी गुफ्तगू कल करूंगा कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यह हदीस है जिसे खिसाल में शेख सदूक इब्न बाबवैह ने इस तरह नकल किया है कि पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि उतिया फी उम्मती फी शहर रमजान खमसा, खुदा ने माह मुबारक रमजान में मेरी उम्मत को पांच चीजें अता की हैं। बहुत तवज्जो फरमाइएगा, ओतिया उम्मती फी शहर रमजान खमसा, पांच चीजें अल्लाह ताला ने माह मुबारक रमजान में उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता किए। अब पैगंबर फरमाते हैं लम युतहुन्ना उम्मतु नबीयिन कबली, मुझसे पहले जो उम्मतें थी मेरी उम्मत से पहले उनको ये चीजें अता नहीं हुई। वो पांच चीजें क्या है, ये क्या हुआ, ये इनाम हुआ। फिर इस इनाम की कंडीशन जो आएगी वो दूसरी रवायत में इंशाल्लाह पेश करता हूं। क्या क्या मिलता है माह मुबारक रमजान में, थोड़ा से गौर किया जाए। अमल वाहदा, पैगंबर फरमाते हैं उन पांच चीजों में से पहली चीज क्या है, इज़ा काना अव्वल लैलतिन मिन शहर रमजान नवरल्लाहु इलैहिम वमन नवरल्लाहु इलैहि लम युअज़्ज़िबहु। पहली नेमत जो माह मुबारक रमजान में परवरदिगार आलम उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता करता है, पैगंबर फरमाते एवाकान अव्वल लैलति मिन शहर रमजान, रमजान की पहली रात को अल्लाह ताला क्या देता है मालूम है, नज़रल्लाहु इलैहिम। अजीब इनाम है, पहला इनाम। हम लोग कभी कभार इस कदर बेमारिफत हैं कि हमें इनाम भी नहीं समझ में आता कि इनाम अहम है। हम कहते ये कौन सा इनाम हुआ, क्योंकि इनाम की अहमियत को नहीं जानते। पैगंबर फरमाते पहला इनाम जो अल्लाह ताला बंदों को माह मुबारक रमजान में अता करता है वो इनाम क्या मालूम है, नज़रल्लाहु इलैहिम, अल्लाह उनकी जानिब नजर करता, ये पहला इनाम है। नज़रल्लाहु इलैहिम, खुदा बंदों की जानिब नजर करता, ये पहला इनाम माह मुबारक रमजान में बंदगान खुदा को हासिल होता है। फिर पैगंबर ने वजह भी बताया, वो शख्स जिसकी जानिब खुदा नजर करता है वमन नज़रल्लाहु इलैहिम लम युअज़्ज़िब हो, जिसकी जानिब खुदा नजर करता है उस पर अज़ाब नहीं करता। तो जो फरमा रहे हैं बस पहला इनाम क्या है, नजर। मैं भी अर्ज करूंगा नजर कैसे इनाम है, वरना ये भी बात रह जाएगी कि नजर करता हो खुदा ये कौन सा इनाम हुआ। फिर बहुत बड़ा इनाम है, खुदा नजर करे अपने बंदों की जानिब
मुनाजात शाबानिया में आप एक जुमला नहीं पढ़ते, इलाही उन्जुर इलैया नवरमन नादैतहु फअजाब, अल्लाह से आप डिमांड करते हो मुनाजात शाबानिया में, या अल्लाह मेरी जानिब निगाह फरमा, नजर फरमा। दो जुमले हैं अगर मैं बहुत जल्दी जल्दी इसको बयान करूं, एक है नजर, एक है रोयत। नजर और रोयत में फर्क है। देखो कुरान में दोनों इस्तेमाल हुआ है, लफ्ज नजरा भी इस्तेमाल हुआ है और रोयत भी इस्तेमाल हुआ है। मैं वो मशहूर आय करीमा नहीं, आलम या आलम बेअल्लाह यरा, ये यरा उसी रूटवर्ड इसका रोयत है, उसी से निकला हुआ है। नजर अलग है, रोयत अलग है। मैं मिसाल दूं आपकी खदमत में, मगन एक टीचर आता है, दर्स देता है, पढ़ाता है क्लासरूम में, अब वो सबकी जानिब देख रहा है, यानी जितने भी स्टूडेंट हैं सबकी जानिब देख रहा है, ये है रोयत। फिर उन्हीं अपने शागिर्दों में से एक से कहे कि आप बाद में मुझसे मिलिए, मुझे आपको, मुझे आपसे काम है, ये है नजर। एक खतीब एक मजमे में जाकर मजलिस पढ़ रहा है, पूरे मजमे को देख रहा है, यह है रोयत। उन्हीं मजमे में से एक शख्स की जानिब नजर करे और कहे आपसे मुझे बाद में काम है, आप मिलिए, यह है नजर। तो जो फरमा रहे नजर रोयत क्या है, रोयत यानी देखना, नजर यानी लुत्फ खास। नजर का माना क्या हुआ, लुत्फ खास। परवरदिगार आलम वो लुत्फ खास, वो नजर खास, वो करम खास, पहला इनाम जो बंदगान खुदा को मिलता है वो इंसान मंजूर नजर परवरदिगार आलम होता है। ये नजर अलग है, हाँ, खास निगाह को नजर कहते हैं। मैं और कुरान से अगर आपको हवाला दूं तो शायद बात वाज हो जाए। कुरान खाने के बारे में क्या कहता है, कुरान कहता है फलयंजुर इंसान इलाता में, इंसान अपने खाने की जानिब नजर करे। नजर का माना क्या है, कोई भी खाना आदमी जब खाता है तो बगैर देखे तो नहीं खाता ना, तो यंजुर इंसान इलाता में, इंसान अपने खाने की जानिब देखे, ये कुरान क्यों कह रहा है। तो मैं तो अपने खाने की जानिब देखता ही हूँ तभी तो खाता हूँ, हम तो बहुत अच्छे से देखते हैं कि क्या बोटी है कैसी है, ये है का नहीं, नहीं ये मुराद नहीं है। फलयंजुर इंसान इलाता में, इंसान अपने खाने की जानिब देखे, यानी ये देखे कि पाक है या नजिस है, हलाल है या हराम है, ये नजर खास है, इसको कहते हैं नजर। तो जो फरमा फसरो या अलग है, नजर अलग है। पहला इनाम जो परवरदिगार आलम माह मुबारक में अपने बंदों को अदा करता है कि बंदा मंजूर नजर परवरदिगार आलम बनता है, और ये खास है। ये नजर अलग चीज है, रोयत अलग चीज है। हम कल कयामत में खुदा की जानिब नजर करेंगे, रोयत नहीं करेंगे। तो जो फरमाने तवज्जुह खास, अब कितना आसान हो सके मैं जहां तक मुमकिन हो सके आसान करूं, तवज्जुह खास को अगर आप कहिए तो नजर है, इनायत को अगर आप कहिए तो इनायत खास को क्या कहते हैं, नजर कहते हैं। हत्ता बाद मकामात पे है कि हजरत शुएब अला नबी अलैहिस्सलाम एक मकाम से गुजर रहे थे और जनाब शुएब ने एक जवान को देखा जो नेमतों में गर्क है लेकिन गुनाह खुदा और मासीयत खुदा का इर्तिकाब कर रहा है। बारगाह परवरदिगार आलम में कहा अल्लाह इतनी नेमतें उसके बाद ये गुनाह में, शुएब मैंने अपनी नजर इससे हटा दी है, यानी ये सबसे बड़ा अजाब है जब नजर परवरदिगार आलम बंदे से हट जाए। बस पहला इनाम क्या मिलता है बंदगान खुदा को कि वो नजर इलाही का इनाम पाते हैं। दूसरा इनाम क्या है इस माह मुबारक रमजान में, अल मलाइका यस्तगफिरून लहुम फी लैलिहिम व नहारिहिम। मैं बस जल्दी जल्दी पढ़ू, वक्त ज्यादा हो गया, जो टाइम दिया गया था उस टाइम से ज्यादा हो गया, लेकिन चूंकि पहला दिन है उम्मीद है कि आप हजरात माफ फरमाएंगे। दूसरा इनाम जो परवरदिगार आलम माह मुबारक रमजान में अपने बंदों को अता करता है, अल मलाइकतु यस्तगफिरून लहुम फी लैलिहिम व नहारिहिम। दूसरा इनाम क्या है, मलाइका खुदा इस्तगफार करते दिनों रात
बंदगान खुदा के लिए। बस ये दो इनाम हो गए माह मुबारक रमजान का। तीसरा इनाम जो माह मुबारक रमजान का है, या अमरो जन्नत हो तरयनी ले अबादी। तीसरा इनाम ये है कि परवरदिगार आलम जन्नत को हुक्म देता है कि अपने आप को आरास्ता कर, अपने आप को तैयार कर मेरे बंदों के लिए। चौथा इनाम क्या है मालूम है, फी आखिरी लैला गफर अल्लाहु लहुम जमीया। माह मुबारक रमजान की आखिरी रात को अल्लाह तमाम बंदों को माफ कर देता है। पांचवा इनाम जो इस मुबारक महीने में बंदगान खुदा को मिलता है वो ये कि वो जो उनके मुंह की बू होती है, परवरदिगार आलम आप देखो रोजे की हालत में जो बू महक इंसान के मुंह से आती है, परवरदिगार आलम कहते हैं ये बू मेरे लिए मुश्क अंबर की तरह है। ये पांच इनाम शहर रमजान में मिलते। ये हो गया इनामात जो माह मुबारक रमजान में मिलते। उसके बाद कंडीशन शराइत क्या है, ये भी अर्ज कर दूं जल्दी से ताकि बात खत्म हो जाए, और इंशाल्लाह कल इस आए करीमा को जो भी आपकी खिदमत में पढ़ा है उसकी थोड़ा सा वजाहत करो इंशाल्लाह, फिर हम धीरे धीरे अपने मौजू पर आए कि असरार रोजा ये जो मुझे हुक्म दिया गया है इसका राज क्या है। इब्तिदा किया हम लोगों ने इंशाल्लाह, मौजू किसी हद तक वाज़े होगा। मन तमस्सका फी शहर रमजान बिसित्त खिसाल, ये सारे इनामात किसे मिलने वाले हैं, वो जो छह सिफात का से छह क्वालिटी अपने अंदर पैदा करे, छह चीजों के अंदर आ जाएं, ये पांच इनाम उसे मिलेंगे। वो छह चीजें क्या है, अय्याफिजा दीनहु। सबसे पहला काम माह मुबारक रमजान में क्या करना है, हिफ्ज दीन, मुहाफिज दीन बनो, दीन की हिफाजत करो, यानी उन चीजों से दूर रहो जो तुम्हारे एतकादात और तुम्हारे दीन को कमजोर करते हैं। बस पहला काम मन तमस्सका बिसित्त खिसाल, छह क्वालिटी इंसान के अंदर आए, एक अय्याफिजा दीनहु अपने दीन की हिफाजत करे, दूसरा काम यसून नफ्सहु अपने आप को कंट्रोल में रखे। ये बड़ा काम है, मैं सब कुछ कर लेता हूं लेकिन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। दुनिया में गुनाहों का बाजार गर्म है, फितनों का एक सैलाब है, फितनों का एक सैलाब है। ऐसे आप में, ऐसे वक्त में मैं अपने को बचा ले जाऊं, ये रमजान में मुझसे डिमांड की जा रही है, यसून नफ्स हो अपने आप को बचाए। तीसरा काम मुझे क्या करना है, यसल रहमहु सिले रहम करूं, सिले रहम से गाफिल ना रहूं, अपने रिश्तेदारों अपने अज्जा अपने अकारीब, ये पैगंबर फरमान है कि ये छह खसूसियत इंसान के अंदर हो, यसल रहमहु अपने रिश्तेदारों अपने अज्जा अपने अकराबा सिले रहम करे। कभी कभार हम इससे गाफिल हो जाते हैं, कभी हम भूल जाते हैं कि सिले रहम भी इबादत है और अजीम इबादत है, मेरी जिंदगी से बहुत ज्यादा ताल्लुक रखता है, मेरी हयात मेरी तरक्की सिले रहम से वाबस्ता है। हम भूल जाते हैं सिले रहम भी ये नसबी रिश्तेदारियां, फूफी चचा इसी तरह भाई, ये वो लोग हैं सिले रहम, माँ बाप ये उन लोगों में से हैं जिनके साथ आपको सिले रहम करना, भाई बहन फूफी चचा खाला, ये सिले रहम जरूरी है। ये पैगंबर फरमाती हैं ये होना चाहिए, और सिले रहम की भी अपनी क्या, इंशाल्लाह अगर कभी वक्त रहा तो आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा। चौथी चीज जिसका आपको माह मुबारक रमजान में जिस जो डिमांड की गई है वो ये कि वला यूजी जा रहू, अपने पड़ोसी को सताओ मत। हमारे यहाँ जो है माह मुबारक रमजान के नाम पर हम रात भर कुछ ऐसा काम करेंगे कि हमारा पड़ोसी जो है बेचारा सोना चाह रहा हो तो जागे, कुछ ऐसा काम करेंगे कि कोई बीमार हो तो उसको अजियत, नहीं
माह मुबारक है रमजान में, तुम्हारा काम क्या है? ला यूजी जा रहो, अपने पड़ोसी को सताओ ना, अजियत ना पहुंचाओ। वयरा इख्वानहू, अपने भाइयों का ख्याल करो, अपने दीनी भाइयों का ख्याल करो, उन्हें यूं ना छोड़ो। सिले रहम करना है अपने रिश्तेदारों की नस्बत, और तुम्हारे जो दीनी भाई हैं उनकी भी रियायत करो, उनके हुकूक की रियायत करो। छठी चीज, वयहज़ुना लिसानहू, अपनी जबान की हिफाजत करो, ये जबान कंट्रोल से ना जाने पाए, ऐसा ना हो ये जबान जो है हमें कैसे मरहले तक पहुंचा दे कि हम गुनाहों का शिकार हो। बस अगर आप देख सकें तो माह मुबारक रमजान में वो पांच इनामात हैं, लेकिन मन तमस्सका बिसित खसार, जिनके अंदर ये छह क्वालिटी आनी चाहिए। और इन छह क्वालिटी में भी अगर आप दिक्कत करिए तो तीन का ताल्लुक हुकूक उन्नास से, तीन का ताल्लुक किससे है? हुकूक उन्नास से। बस माह मुबारक रमजान को एक फुर्सत जाने, ये अय्याम जिन्हें दर करने की खुदा ने हमें तौफीक दी है, इन्हें जाये ना करें, इन्हें वेस्ट ना करें, लहव लअब और बेकार की चीजों में इन्हें सर्फ ना करें, बल्कि बंदगी के जो रास्ते हमवार हैं, फजीलतों की बीज बोने के लिए जो दिल की जमीन नर्म व आमादा है, कोशिश करें कि एक लम्हा भी जाये किए बगैर अपने वजूद को फजीलतों से आरास्ता और पैरास्ता करें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहु व आखिरु दावाना अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हमें जो बीमार उन्हें शिफाए कामिल वाजिल अनायत फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हमें जो परेशान उनकी परेशानियों को दूर फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हमें जो मकरूज उनके कर्ज गैब से अदा फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हमें ज्यादा से ज्यादा नेक आमाल अंजाम देने की तौफीक अनायत फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हमारी इबादतों को ताअतों को शरफ़ कबूलियत अनायत फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, महबूब इस वबा बीमारी से तमाम शियाने हैदर करार को और उनके सदक़े में तमाम आलम इंसानियत को निजात अता फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, हम सब को हज जारा से मुशर्रफ़ फरमा। बारिला तुझे तेरे हक का वास्ता, आले मुहम्मद के हक का वास्ता, महबूब तुझे बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का वास्ता, वारिस रब्बुल इंसाफ इमाम ज़मान के ज़ुहूर में तारीफ फरमा, हमें उनके आवाम अनसार में शुमार फरमा। एक मुख्तसर सा ऐलान है, उसे भी अगर समाप्त कर लें तो अर्ज़ करूँ, वो ये कि आप हज़रात माह मुबारक रमज़ान में इंशाअल्लाह क़ुरान की तिलावत करेंगे। वो जो क़ुरान की आप तिलावत करें, दौरान तिलावत कोई आए करीमा ऐसी हो जिसे आप नहीं समझ पा रहे हैं, अच्छे से समझना चाहते हैं, तो एक दिन पहले उस आए करीमा को आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिए आए करीमा का नंबर, और अगर आपका ख़ास सवाल हो उस आयत के ज़िम्न में तो सवाल लिख कर भेजिए, अगर सिर्फ वजाहत जानना चाहते हैं तो ये लिख के भेजिए। ये एक मरहला है जिसके लिए वक्त मुकर्रर किया गया, बाकायदा आपके सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाएगी। दूसरा ये कि दर्स जो ये लेक्चर हो रहा है, इससे रिलेटेड जो भी सवाल आप लोगों के हैं उसके लिए भी वक्त मौजूद है, वो सवालात भी आप बयान कर सकते हैं और जवाब देने की कोशिश की जाएगी। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर, सल्लु अला मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। यो अबल फज, यो अबल फज, यो अबल फज, यो अबल फज।